काटने की बात कर रहे हैं तो उन लोगों को ये संदेशा देना चाहता हूँ कि किसी का बाप, किसी भी लीडर का बाप किसी की वोट कटवा नहीं सकता। अगर आसिफ भाई वोट कटवा सकते तो ये बात कानूनी ऐसा है कि जिसका वोटर लिस्ट में नाम रहेगा वही आदमी इलेक्शन लड़ सकता। तो अगर आसिफ भाई किसी की वोट कटवा सकते तो ये लीडरों ही की कटवा देते ना। दरअसल मेरे यहाँ आज 15 दिन पहले मैयत हो गई थी और मैयत के सदमे से अभी हम लोग उभर नहीं पाए। बहरहाल पार्टी का आदेश था, शेख आसिफ का आदेश था कि भाई 20 तारीख को लोकसभा का इलेक्शन है, उसमें अपने को अपना काम अपने हिसाब से अपने वर्करों को लेके करना है। तो मैयत होने के बावजूद फिर भी हम लोगों ने यानी हर तरह से यानी किसी भी तरह से कोई कसर ना रखते हुए पूरे वर्करों को लेकर हमने इलेक्शन लड़ा और माशाल्लाह बहुत अच्छी से लड़ा। और जैसे हमारा इलेक्शन हम लड़ते हैं, चाहे कॉर्पोरेशन का हो या असेंबली का, वैसे हमने ये इलेक्शन को लड़ा। और इसमें हम बाल बराबर भी यानी हमको भी ये डर है कि हमको कल खुदा को मुंह दिखाना है, और खुदा को मुंह दिखाना है तो उसमें कोई बात मिक्सिंग ना हो कि मैं करूं कुछ और बोलूं कुछ। बहरहाल वो इलेक्शन हुआ गया। अब मैं 2-3 दिन पहले देखा कि मुफ्ती साहब कुछ जमीयत के ऑफिस से कुछ उनका व्हाट्सएप पे आया, तो मैंने सोचा कि यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ मालेगांव जब आए थे तो उन्होंने मुसलमान के ताल्लुक से, मुस्लिम लोगों के ताल्लुक से बहुत बुरा भला कहा था। उसमें ये भी एक बात कही कि हमने रोड पर नमाज पढ़ना बंद करवा दिया, हमने माइक उतरवा दिया और 5 साल में कोई अजान बोलने वाला नहीं रहेगा। तो मैं सोचा, जब देखा मुफ्ती इस्माइल को जमीयत के दफ्तर में, तो सोचा शायद उसी बात का कोई जवाब देंगे आज मुफ्ती साहब, और देना भी चाहिए क्योंकि उनका काम है इसका जवाब देना। मुफ्ती इस्माइल साहब जमीयत के सदर है और मजलिसे शूरा में हैं, उनके पास बहुत सारे इमाम साहब है, खुतबा इमाम है, क्या कौन कौन से इमाम है, उनका काम है इसका जवाब देना। बहरहाल मैंने जब वो वीडियो देखा तो उसमें तो कुछ और ही बात थी कि वोट कटी, उसमें आसिफ का हाथ है, आसिफ ने कटवाया, हम बढ़वा रहे हैं और सोयल मास्टर मेहनत करके बढ़ा रहे हैं, जबकि मुफ्ती साहब का ये काम ही नहीं था। मैं आपके चैनल के माध्यम से मालेगांव की आवाम तक के अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं। मैं इंटरव्यू आज देता नहीं, लेकिन अपनी बात अगर हम शहर वालों तक ना पहुंचाए तो कहीं ऐसा ना हो कि शहर वाले हमको ही गुनहगार समझने लगे। आसिफ भाई ने वोट कटाने की तहरीक चलाई थी, वोट कटाने के लिए बहुत सारा पैसा खर्चा करना पड़ा उसको कंप्यूटर से निकालने के लिए, क्योंकि बहुत सारी वोट मालेगांव शहर में टिबल टिबल थी। मैं 5 वोट बता सकता हूँ, एक आदमी की 5 वोट थी। तो ये वोट काटने के लिए आसिफ भाई ने जद्दोजहद की और उसके नतीजे में मैं मुफ्ती साहब को और मुस्तकीम को और जो भी लीडर वोट काटने की बात कर रहे हैं तो उन लोगों को ये संदेशा देना चाहता हूँ कि किसी का बाप, किसी भी लीडर का बाप किसी की वोट कटवा नहीं सकता। ये और बात है कि कंप्यूटर की मिस्टेक से किसी की वोट उड़ जाए, नहीं तो किसी का बाप भी, किसी लीडर का बाप भी किसी की वोट कटवा नहीं सकता। आसिफ शेख रशीद ने जब ये प्रूफ दिया कि कम से कम
18,000 लोगों की वोट तीन तीन है, चार चार है, पांच पांच है, तो उस पर भी वोट कटी नहीं थी, उस पर भी वोट काटी नहीं गई थी। प्रांत तो ऑफिसर का एकदम साफ कहना था कि हमारे बीएलओ जाएंगे और जिसकी भी पांच वोट है, तीन वोट है, दो वोट है, चार वोट है, वो आदमी को मिलेंगे और उसको पूछेंगे कि भाई तुम्हारी पांच वोट है तो एक वोट कहाँ रखना, बाकी चार वोट कहाँ से काटना, दो वोट कहाँ से काटना, तीन वोट कहाँ से काटना, ये उससे पूछेंगे, उसकी राय मशवरे से वोट काटी जाएंगी और उसके बाद वोट कटी। तो ये जिनकी डबल वोट आई थी उनकी वोट आसिफ भाई ने कटवाए थे, ना कि किसी एक की वोट। ये वोटरों में किसको मालूम रहता कि उसने किसको वोट दिया, किसने किसको वोट दिया। जो हम ये फैसला करेंगे, ये मुफ्ती साहब की वोट है, ये शेख आसिफ की वोट है, ये मुस्तकीम की वोट है, हम तो इसका फैसला ही नहीं कर सकते। तो हम कौन होते किसी को वोट कटवाने वाले। जैसे मालेगांव के लीडर ये बोल रहे हैं कि आसिफ भाई ने वोट कटवा दिया, वोट कटवा दिया। अगर आसिफ भाई वोट कटवा सकते तो ये बात कानूनी ऐसा है कि जिसका वोटर लिस्ट में नाम रहेगा वही आदमी इलेक्शन लड़ सकता। तो अगर आसिफ भाई किसी की वोट कटवा सकते तो ये लीडरों ही की कटवा देते ना। ये जो लीडर लोग बोल रहे हैं कि लोगों की वोट कटा दिया, तो ये लीडरों की कटा देते, इसलिए कि आसिफ भाई के सामने फिर लड़ने वाला ही कोई नहीं रहता। और ये सबको मालूम है कि ये एरिया ये लीडर का है, ये एरिया ये लीडर का, वो एरिया वो लीडर का है, तो एरिया वाइज पूरे एरिए की वोट कटवा देते। अगर आसिफ भाई की ऐसी इतनी चलती जैसे लीडर लोग बता रहे कि आसिफ शेख रशीद इतना खतरनाक आदमी है कि वोट ही कटवा दिया, अगर ऐसा रहता तो उनके एरिए के उनके जो लोग हैं उनकी सबकी वोट कटवा देते। इस पे से मालेगांव की आवाम समझ ले कि ये कितने समझदारी की बात कर रहे हैं। शान हिंद ने बोली क्या हमारे वालिद मोहतरम ऐसा करते थे वैसा करते थे। 1971 में असम्बली का इलेक्शन हारने के बाद मालेगांव शहर में सेठ और मजदूर की जो तहरीक चली, जो मजदूर तहरीक चली, उसका हाल क्या हुआ था ये शायद उनको मालूम नहीं। सेठ लोगों को संडास का डब्बा छुपा के ले जाना पड़ता था, इसलिए कि वो जो उम्मीदवार हारे थे उन्होंने मजदूरों को लगा के, अपने आदमी को लगा के संडास में पत्थर मारते थे। उस टाइम पे किसी के घर में संडास नहीं रहती थी, बहुत मुख्तसर से लोगों के घर में संडास थी, और नहीं तो संडास बनाना लोग पसंद नहीं करते थे। ऐसा नहीं कि लोगों के पास पैसा नहीं था, लेकिन घर में संडास बनाना लोग पसंद नहीं करते थे। संडास म्युनिसिपैलिटी के संडास में ही जाते थे, और वहाँ वो लोग जब संडास बैठते थे तो वो तहरीक का वो लीडर के बोलने पर लोग पत्थर चलाते थे, वो संडास के छींटे उड़ते थे, तो लोग संडास का डब्बा भी छुपा के लेके जाते थे। मजदूर और सेठों में इतनी दूरियाँ हो गई थी वो लीडर के इलेक्शन हारने के बाद, इतनी दूरियाँ हो गई थी कि उसके बाद फौरन 72 में दुष्काल पड़ गया। दुष्काल पड़ गया, लोगों के यहाँ खाने को नहीं था। लाल जवारी आती थी बाहर मुल्कों से, लाल जवारी लोग खाते थे, वो यहाँ के कुछ सेठ चंद सेठ यहाँ के रोटी बांटते थे, सालन बांटते थे, यानी गरीबों का इतना बुरा हाल था। और ये लीडर ने सेठ और मजदूर को इतनी दूरियाँ कर दिया था कि नदी का एक किनारा नदी का दूसरा किनारा हो गए थे। ऐसा भी नहीं, आज का दौर ऐसा है कि अगर मजदूर परेशान होता है, सेठ के पास जाता है, बोलता है भाई परेशानी है, तो सेठ उसकी कुछ ना कुछ मदद करता, उधार के नाम पे बोलो या ऐसा बोलो। लेकिन उस टाइम तो इतनी दूरियाँ हो गई थी कि कोई किसकी मदद करने को तैयार नहीं था, फिर भी मालेगांव के सेठों ने उस टाइम ये सब बातों को भुलाकर मदद की। और वो दौर शायद ये भूल गए कि हारने वाले ने क्या किया था। आज आसिफ भाई पे इल्ज़ाम लगाते हो, आसिफ भाई का कोई एक सेठ बता दे कि मेरा ये नुकसान करा, कोई एक मजदूर बता दे कि मेरा ये नुकसान करा। इलेक्शन हार जीत का तो खेल ही है, कोई हारता है कोई जीतता है, सब के सब ना तो जीतते हैं, सब के सब ना तो हारते हैं। लेकिन कुछ बोलने से पहले कुछ समझ तो लो कि क्या बोल रहे हैं। मैंने ये बात बोला, किसी लीडर का बाप भी अगर चाहेगा तो किसी एक की वोट नहीं कटवा सकता जब तक कि वो बीएलओ की रिपोर्ट ना जाए। जब तक कि बीएलओ रिपोर्ट नहीं देगा कि भाई ये वोट कटवाना चाहता और ये मैयत हो गई इसकी वोट काट दो, जब तक कि कोई माई का लाल वोट काट नहीं सकता। जबरदस्ती आसिफ भाई पर इल्ज़ाम लगा रहे, मुफ्ती साहब
जमीयत के दफ्तर से ये बोलना चाहिए था कि योगी आदित्यनाथ ने क्या बोल के गया अजान के ऊपर, नमाज के ऊपर वो बात कर रहे वोट काटने की, वोट किसने काटा और वोट कैसे काटा, वो तो उनके खिलाफ की वोट थी, वो तो मेरे फेवर की वोट थी, इतना समझने लगा, इतना समझने लगा। और बोलते हो सोहेल मास्टर, सोहेल मास्टर अपनी भतीजी को अपनी क्लास में 1500 रुपये महीने से पढ़वाता है और खुद उनके यहाँ बैठ कर वोट बढ़ाता है, वो सोहेल मास्टर की तारीफ करते हो, वो सोहेल मास्टर की सपोर्ट में बोलते, जबकि उनको बोलना चाहिए कि यहाँ वोट बढ़ाने से बेहतर जा वो बच्चों को पढ़ा जिसकी पेमेंट ले रहा है तू, कारपोरेशन से जिसकी पगार ले रहा है जा वो काम कर, लेकिन वो ना करते हुए बोले वोट बढ़ा रहे, बहुत ताली बजाने की बात है। मुफ्ती साहब जमीयत ऐसा साबित कर रही है कि मालेगांव में जिसने भी वोट दिया जमीयत के बोलने पे दिया, सुलेमानी जमीयत, महमूद मदनी साहब की जो जमीयत है सुलेमानी चौक में वो शर्मा गई, जबकि इलेक्शन के पहले से, इलेक्शन डिक्लेयर होने के पहले से सुलेमानी जमीयत जद्दोजहद कर रही है, लोगों को हमवार कर रही है, लोगों को समझा रही है, प्रांतों से मिल रही है, कलेक्टर से मिल रही है और सब लोगों से मिलकर ये बता रही है कि ये वोट में फर्क है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, लोगों को बोल रही है, हर मस्जिद में पर्ची भेजे कि भाई वोट दो, किसको दो ये नहीं बोले, सेकुलर को वोट देना चाहिए, सेकुलर आदमी को वोट दो, ऐसा उन्होंने हर मस्जिद के, ये जमीयत की तो कोई चिट्ठी भी नहीं गई और आज ये जमीयत ही ढिंडोरा पीट रही है कि अगर किसी ने वोट दिया, सुलेमानी जमीयत के लोग शर्मा गए, वो अपने आप को एक दूसरे को देख रहे क्या हमने कुछ करे कि नहीं करे, सब जमीयत उलमा ही नहीं करी, तो ये अच्छी बात नहीं है। और जमीयत के लोग भी बैठ के हंसते हंसते, किसी की एक आदमी बुराई करता है और ये हंसते, तो ये अच्छी बात नहीं है। बहरहाल मालेगांव की आवाम तक के ये बात मुझे पहुंचानी थी कि वोट कोई कटवा नहीं सकता, अगर जिसकी भी कटी है तो हम खुद भी, आसिफ भाई ने मुझे मना करे थे कोई तरह का इंटरव्यू देने के लिए, उन्होंने बोले 5 तारीख को 4 तारीख को मैं खुद ये बात का जवाब दूंगा और वो देंगे दे, मुझे जो समझा मैंने वो बोला,